कि सोचती हूँ तुम्हें देखूं या तुम्हें प्यार करूं। सोचती हूँ तुम्हें देखूं कि तुम्हें प्यार करूं। किस तरह अपनी मोहब्बत का, किस तरह अपनी मोहब्बत का यूं मैं इजहार करूं। किस तरह अपनी मोहब्बत का यूं मैं इजहार करूं। सोचती हूँ तुम्हें देखूं या तुम्हें प्यार करूं। सोचती हूँ तुम्हें देखूं, वाह 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 वाह, कि यूं मुलाकात पे पहरा है जमाने का मगर, यूं मुलाकात पे पहरा है जमाने का मगर, तुम अगर कह दो तो कुछ रास्ता हमवार करूं। वाह 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 वाह, सोचती हूँ तुम्हें देखूं या तुम्हें प्यार करूं। जी बहुत बहुत क्या कहना। प्रतिभा यादव आपकी अलाम पेश कर रही थी, उन्होंने गीत भी पढ़ा, गजल भी सुनाई आपको, कुछ और मुतफरिक शेर सुनाए आपने, उन्हें मोहब्बतों के साथ सुना, लेकिन मुझे अभी तक ये अभी नहीं तय कर पा रहा हूँ कि यह आपकी शराफत थी या आपका डर था जो आप प्रतिभा यादव की शायरी को पसंद करते हुए भी ताली बजाने से बच रहे थे, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि मुशायरे में जहाँ ख्वातीन की तादाद बराबर की होती है वहाँ मर्दों को ये डर लगा रहता है कि अगर किसी शायरा को हमने दाद दी तो इधर ख्वातीन में जो हमारी होम मिनिस्टर बैठी हुई हैं वहां तक खबर आज ही पहुंच जाएगी और उसके बाद कल हमारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, तो ये डर रहता है और उसकी वजह से शायरात को कभी कभी इस तरह का माहौल का सामना करना पड़ता है। बहरहाल आपका शुक्रिया, आपने अच्छा अच्छा हाँ, तो मैं वही चाहता हूं कि ये मैं उसे अपनी कमजोरी मानता हूं कि अगर मेरी फहरिस्त का कोई शायर इस तरह से माइक से वापस हो तो इसे मैं ये मानता हूं कि ये मेरी कमजोरी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक गीत है जिसको प्रतिभा यादव बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ती हैं, सपने सहज साकार कब होंगे, ये गीत है जिस गीत की वजह से उन्हें इस मुशायरे में उनका इंतखाब किया गया था। मैं चाहता हूं कि प्रतिभा यादव को एक बार माइक पर बुलाऊं, चाय का लालच छोड़ दें और सीधे माइक पर आ जाएं, क्योंकि चाय बाद में भी मिल सकती है, माइक अगर एक बार किसी दूसरे के पास पहुंच गया तो दोबारा इस मुशायरे में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है गुरुदेव, लेकिन सुनने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा। आइए, वाकई बहुत अच्छी गीत है जिसको गुरुदेव बता देगी। आदरणीय वेद प्रकाश जी ने फोन पे ही इन्होंने कहा था कि इसको पढ़नी है, इसमें कुछ त्रुटियां थी तो इन्होंने उसको सही भी करा। अरे वाह 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 वाह, और हमें हिदायत भी दी और क्या बोलते हैं गुरुदेव, समझौता, और उसके साथ उन्होंने नोट करके दिया कि आपको ऐसे इसको पढ़ना है, तो कोशिश करती हूँ सुने। ये जी पढ़िए पढ़िए। कि सपने सहज सा कार कब होंगे, सपने सहज सा कार कब होंगे, नारी पे बंद अत्याचार कब होंगे, सपने सहज सा कार कब होंगे, नारी पे बंद अत्याचार कब होंगे, कि कब तक तुम दहेज की सूली पर चढ़ाओगे।
ये कब तक सूली पर कब तक तुम दहेज की सूली पर चढ़ाओगे, शीश महल में कब तक नंगा नाचोगे, शीश महल में कब तक नंगा नाचोगे, ते जन्म पे हमारे जय जय कार कब होंगे, जन्म पे हमारे जय जयकार कब होंगे, नारी पे बंद अत्याचार कब होंगे, सपने सहज सा कार कब होंगे, नारी पे बंद चार कब होंगे। इसी के साथ गुरुदेव ये वाली गीत बहाव तेज कदम को बुखाड़ देता है, पहाड़ी नालों को ताकत पहाड़ देता है, बहाव तेज कदम को बुखाड़ देता है, पहाड़ी नालों को ताकत पहाड़ देता है, बहुत है नाज तुम्हें अपने हुस्न पर लेकिन, बहुत है नाज तुम्हें अपने हुस्न पर लेकिन, तमाचा वक्त का चेहरा बिगाड़ देता है, तमाचा चेहरा बिगाड़ देता है, पहाड़ी नालों को ताकत पहाड़ देता है, मैं उसको हाल दिल अपना सुनाऊं तो कैसे, मैं उसको हाल दिल अपना सुनाऊं तो कैसे, मैं उसको हाल दिल अपना सुनाऊं तो कैसे, बिना पढ़े ही मेरा खत वो फाड़ देता है, पहाड़ी नालों को ताकत पहाड़ देता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।